अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मिर्ज़ा ज़ुबैर अहमद। कहाँ के रहने वाले? साहिवाल। ये पॉपकॉर्न है और ये क्या है? ये चाइना पापड़ है। चाइना पापड़ है। इसको सेल करते हैं जी दुकानों पे? जी दुकानों पे। ये क्या आइडिया आया, मतलब कैसे कि सस्ती पैकिंग करके मार्केट में बेचें? बस ये हाइजेनिक फूड की तरफ हम लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ बच्चों के अट्रैक्शन के लिए, कि जो चीज़ जिस तरफ बच्चे ज़्यादा आएँ, तो वो हम लोग सोच रहे थे अगर शॉपर में डालते हैं तो शॉपर तो मार्केट भरी पड़ी है, चाहे वो लॉलीपॉप हो, चाहे पापड़ हो या जो भी चीज़ हो। तो ये कप में हमने सोचा कि यार कप में अगर डाल के दिया जाए अट्रैक्शन होती है इससे बच्चे गिलास की तरफ, जो है जो कप है या गिलास है, डिस्पोजेबल गिलास है, उसकी तरफ बच्चा भागता है अट्रैक्शन। तो ये खाली कप कहाँ से लेते हैं? खाली कप हम यहाँ ट्रेडर्स हैं साहिवाल में। ये कितने का पड़ता है एक कप जो है? ये कप गालबन एक पड़ता है ₹3.10 का। ₹3.10 का एक खाली कप पड़ता है। और उसके ऊपर जो सील लगती है कागज़, वो वाला कागज़ के आप उसको एस्टिमेट लगा लें ₹1 तकरीबन। एक रुपये का नहीं है, कम है, लेकिन अभी ये अंदाज़ा नहीं लगा। 20 से 25 पैसे में पड़ते हैं। 20 से 25 पैसे में। हाँ, मुझे इसकी कीमतों का पता है। अच्छा, 3.25 रुपये का कप और ऊपर वाला रैपर हो गया। उसके बाद इसको सील कैसे करते हैं? मतलब एक सीलर है, मैनुअल सीलर है। एक कप माल भरा, कप रखा उसमें और सील कर दिया। सील कर दिया। वो सीलर कितने का आ जाता है? सीलर 18,000 का। 18,000। और ये अंदर जो पॉपकॉर्न है ये वाले, ये कहीं से लेते हैं या खुद बनाते हैं? पॉपकॉर्न जो है मकई ले ली मार्केट से। मकई मार्केट से लेके और घर में तैयार कर लिए, देखते हैं तैयार। जी, यानी एक बर्तन के अंदर इसमें ऑयल डालता है या बस वैसे ही दाने डाल दिए? सिर्फ दाने डाल दिए के अंदर। जी, दाने डाल दिए, ऊपर रैपर मोटर लगी हुई है वो उसको घुमाती रहती है और ये तैयार हो जाते हैं। तैयार हो। अच्छा, मकई क्या रेट मिल रही है? मकई 320 रुपये किलो। 320 रुपये किलो। इसके अंदर कितने रुपये की मकई जाती है? इसमें तकरीबन 2.60 रुपये एक गिलास में। 2.60 रुपये 2.60 रुपये जमा 3.25 रुपये, यानी ये हो, कितने हो गए? 6 रुपये हो गए तकरीबन। 6 रुपये। तो ये ऊपर वाला जो रैपर है जी, इसमें कितने आते हैं? इस पैकेट बंडल के अंदर कितने आते हैं? एक किलो में एक बंडल में 10-12 पैकेट। 12 गिलास। 12 गिलास। 12 गिलास। 12×72 रुपये। मजदूरी, पैकिंग खर्चा 3 रुपये लगा के 75 रुपये में आपको पड़ जाता है। तो दुकानदार को कितने का दे रहे हैं? 95-100 का। और दुकानदार कितने का बेच रहे हैं? वो 120 रुपये। यानी आपको 20 रुपये बंडल पे बचते हैं जी। खुद सप्लाई करते हैं या सेलमैनों को देते हैं? नहीं, खुद ही सप्लाई करते हैं। तो दिन में कितने एक बेच लेते हैं ये? दिन में स्कूल जो बंदे हुए हैं वो तो माशाल्लाह रोज़ाना के 5-5, 10-10 पैकेट ले लेते हैं। स्कूलों की कैंटीन्स? जी, स्कूल, प्राइवेट स्कूल। अच्छा। सरकारी स्कूल में नहीं लेते। सरकारी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में लगे हैं। उनकी जो कैंटीन्स हैं वो 5 से 10 बंडल हर कैंटीन डेली ले लेते हैं। जी, डेली ले लेते हैं। और ऑन एवरेज कितने बंडल निकाल लेते हो? अंदाज़ा नहीं लगाया फिर भी 100, 50, 20, 30। कितनी कैंटीनें लगी हुई हैं? 4 स्कूल लगे हैं फिलहाल। 4 स्कूल किया कुछ ऐसे। अच्छा। ही यानी 20 बंडल तो आपके कैंटीनों पे जाता है जी। तो दुकानदार भी ले रहे हैं? दुकानदार भी ले रहे हैं। तो दुकानें कितनी लगी हुई हैं? दुकानें काफ़ी, अभी मार्केटिंग शुरू किया मैंने, बिजनेस शुरू किया बिल्कुल, एक महीना भी नहीं हुआ। अच्छा, एक महीना भी। तो यानी 20 बंडल तो डेली स्कूल्स को जाते हैं, दुकानदारों की सेल अलग से। जी, दुकानदार। तो आपको जो मेरा एक अंदाज़ा है, 400 रुपया जो बचत आ रही है वो सिर्फ कैंटीन से आ रही डेली, और 4-12 हज़ार रुपये 4 कैंटीन से महीने की बचत है, और जो दुकानदारों से आ रही है वो अलग है। अलग। तो क्या ये 20 से 25 हज़ार रुपया महीना बचत एवरेज निकल आती है? निकल आएगा। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा फायदा है। उतना आप अपनी बात करें, वो फ्यूचर की बात हम नहीं करते ना कि क्या होना चाहिए क्या होगा, आप हम तो आपकी बात कर रहे हैं। तो अभी आपको लगता है कि जो आपकी एवरेज जा रही है ये 20 हज़ार रुपया महीना क्रॉस करेगी? जी, कर जाएगी, कर जाएगी। गुड, वेरी गुड। और आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल जो है वो मेरे ख्याल में 25,000 से कम है? 30,000 का। 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है और इससे मेहनत करके 20 से 25 हज़ार रुपये महीना आराम से कमाया जा सकता है। तो कितनी चीज़ें बेच रहे हैं इस वक्त तक आप? एक तो यानी ये पॉपकॉर्न है, दूसरा है कॉटन कैंडी है। कॉटन कैंडी, ठीक है। लच्छा जिसको कहते हैं? लच्छा जिसको कहते हैं। खुद बनाते हैं? लच्छा भी खुद बनाते हैं। मशीन रखी हुई है? अच्छा, ठीक है। उसके नीचे जो ब्लोअर मोटर है हाँ। वो लगाई है बिजली बचाने के लिए, वो हम सोलर पे चलाते हैं। अच्छा अच्छा, गुड। और लच्छे मशीन, लच्छा भी खुद तैयार कर, लिया। पॉपकॉर्न भी खुद तैयार कर लिया। ये चाइना पापड़ मार्केट से ले लेते हैं? ओके, अभी 3 प्रोडक्ट्स हैं जी, अभी 3 हैं। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको कामयाब करे। इसमें जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई है कि जो पॉपकॉर्न है इसको मीठा कर दें, ठीक है? मीठा पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा बिकता है।
आपकी सोच है कि जितना ये बिकेगा आपके शहर में नहीं है मीठा पॉपकॉर्न, आप अकेले होंगे उसमें फ्लेवर डाल सकते हैं, आप उसको बादाम का फ्लेवर दे दें, आप उसको क्या कहते हैं वो टूटी फ्रूटी दे दें, एप्पल दे दें, केले का दे दें, जो मर्जी फ्लेवर दे, फ्लेवर दे दें, फ्लेवर दे के अगर आप इसको मीठा कर देते हैं ना, आप इसको जो 10 रुपए का बेच रहे हैं ना इस वक्त, ये आपको इस 15 रुपए या 20 रुपए में रेट लेके जा सकते हैं, और बच्चों ने लेना ही लेना है, ये बहुत मज़ेदार बनती है। ठीक, बहुत शुक्रिया। आपका टेलीफोन नंबर क्या है? 03-313-0313-45-45-31-31-87-0-0। तो लच्छे वाली मशीन कहाँ से ली थी? लाहौर से। और वो जो बनाई है आपने पॉपकॉर्न के लिए? पॉपकॉर्न वाली देसी जुगाड़ का, देसी जुगाड़ लगाया है। पाकिस्तान जुगाड़ लगाने में तो पाकिस्तानी नंबर वन है माशाल्लाह। अल्लाह आपको कामयाब करे बच्चे, खुश रहें, आबाद रहें, तरक्की के लिए दुआएं हमारी। अगली मरतबा जब मुलाकात हो तो 4-5 सेल्समैन होने चाहिए आपके। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।